तो इन हालातों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ से, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर आपको देंगे, क्योंकि फिलहाल इस यात्रा को रोक दिया गया है खराब मौसम की वजह से। बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों ही रूट से यात्रा को रोका गया है। सभी श्रद्धालुओं को बेस कैंप में ही रोका गया है। दोपहर बाद मौसम ठीक होने की उम्मीद जताई गई है, उसके बाद ही दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी। तो मौसम है खराब, लगातार बारिश और स्थितियां बिगड़ी, तो फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। बालाटाल और चंदनवाड़ी रूट्स की जो यात्रा है उसको रोका गया है दोपहर बाद, बताया जा रहा है। संभावना है कि इसको दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मौसम खराब, इसकी वजह से यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। श्रद्धालुओं के बेस कैंप में रोक दिया गया है कि आप अभी बेस कैंप में ही रहिए। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है और ये एक बड़ी खबर है। अमरनाथ यात्रा जारी है, लेकिन इस बीच में मौसम में भी खराबी और मौसम में खराबी, इसकी वजह से यात्रा को फिलहाल रोका गया है। श्रद्धालुओं को बेस कैंप में ही रहने के लिए कहा गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, खराब मौसम है बड़ी वजह जिसकी वजह से इसको रोका गया है अभी यात्रा को। और जो श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, उनको रोका गया है कि अभी आप लोग यहीं रहें। अब अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है। धारचूला में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। दारमा घाटी के चल गांव में बादल फटने से पैदल पुल ट्रॉली ध्वस्त हो गई है। 200 से ज्यादा लोग गांव में फंस गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन टीमें लगी हुई हैं, रवाना हो गई हैं, लेकिन दो बात में सड़क बंद होने से रेस्क्यू के लिए बहुत परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें भी फंस गई हैं। चल गांव में बादल फटने से तबाही का ये मंजर, ये भयावह तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। पैदल पुल ट्रॉली ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें हैं वो इसमें फंस गई हैं, क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रही हैं। बहुत ज़्यादा मलबा आकर गिर गया है। धारचूला में बादल फटा, उसके बाद का ये मंजर उत्तराखंड के धारचूला से जो हम आपको दिखा रहे हैं। अन्य टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल है, किस तरीके से लोग इसको पार करने की कोशिश करें। 200 से ज़्यादा लोग गांव में फंसे हैं, ये जानकारियां मिल रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई है। ये तस्वीरें हैं दारमा घाटी की, जहां पूजा में शामिल होने गए स्कूली बच्चों के साथ 200 से ज्यादा लोग दारमा घाटी बादल फटने से चल गांव में फंसे। बादल फटने के बाद चल गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल और ट्रॉली भी ध्वस्त हो गई। इसके लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से हेलीकॉप्टर की मांग की गई। धारचूला की नया बस्ती के पास भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया और टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे कई वाहन जाम में फंस गए। चमोली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस कारण सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी आ जाने से एक हिस्सा बह गया है, जिस कारण युवक बाइक के साथ पानी में फंस गए। लकड़ी के तख्ते के सहारे उनका रेस्क्यू किया गया।